नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए सवाल उठाए हैं। सर्वोच्च अदालत ने मामले पर कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि एक केस में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए सवाल उठाए हैं। सर्वोच्च अदालत ने मामले पर कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि एक केस में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। आजम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ऐसा क्यों चल रहा है कि एक के बाद एक 89 केस दर्ज हो गए, एक केस में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने हलफनामा दायर करने की बात कही है। दरअसल आजम खान के खिलाफ एक आखिरी केस बचा हुआ है, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पिछले 5 महीने से आदेश नहीं दिया जा रहा था। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को न्यायिक प्रक्रिया का मजाक करार देते हुए टिप्पणी की थी। अब हाई कोर्ट ने उस मामले में जमानत दे दी, लेकिन एक बार फिर से नया मामला दर्ज कर लिया गया, जिस वजह से वो बाहर नहीं आ पाए। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ले जाने के बाद सख्त टिप्पणी की गई। कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति पिछले 2 साल से जेल में बंद है, जब उसे बाहर आना होता है तो फिर से एक मुकदमा लाद दिया जाता है। एक दो केस समझ में आता है, लेकिन 89 केस एक के बाद एक दर्ज होते गए, ये क्या तरीका है? सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि एक गलत धारणा है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने हलफनामा दाखिल करने की बात कही, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप हलफनामा दाखिल कीजिए, अब इस मामले को 17 मार्च मंगलवार के दिन देखा जाएगा। मामले पर योगी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, बीजेपी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। यूपी की सीतापुर की जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक केस में जमानत मिलने के बाद नया केस दर्ज हो जाता है, एक के बाद एक 89 केस दर्ज हो गए हैं। यूपी सरकार के वकील ने कहा, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, ये सब फर्जी केस नहीं है, हम इसे लेकर हलफनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।